हेलो स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन मैथमेटिक्स नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आल्सो। इन फिगर सी द फिगर द साइड क्यू आर द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है इसकी साइड को प्रोड्यूस किया गया To a point S. If the bisector of PQR, angle PQR, PQR, this is the bisector, this QT is the bisector. And we know the bisector divides the angle into two equal angles. So 1 and 2, let it be 1 and 2. So given 1 equals to 2. And angle PRS, PRS. एंड द बाइसे दो बाइसेर है एक तो है क्यूटी जो पी क्यू आर का बायसेक्टर है और एक है आर टी जो पी आर एस का बायसेक्टर है तो इसको देते हैं थ्री ओ फोर दिस टू एंगल से आर सो इक्वल मीन एट ए पॉइंटी ये दोनों बाई सेक्टर कहा मिल रहे है टी पॉइंट पे मिल रहे हैं दिस इज गिवन टू एस टू प्रू और हमें प्रूव क्या करना है एंगल क्यू टी आर क्यू टी आर मींस ये वाला एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर और इसके हाफ के बताना इक्वल मीन्स दिस इज हाफ ऑफ एंगल पी सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ गिवन ओनली गिवन बाई सेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टू टी गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्री PQR, पी क्यू आर पी आर एस इज एन एक्सट्रंगल ये एक एक्सट्रीर एंगल है हमारे पास एंड विच इज बायसेक्टर क्यू टी अब लिखेंगे क्यू टी इज बाइसेक्टर ऑफ क्यू टी किसका बायसेक्टर है पी क्यू आर का और आरटिकस का बाय सेक्टर है आरटीज बाय सेक्टर ऑफ पी आर एस दिस इज द गिवन थिंग्स नाउ वी नीड टू प्रूव हमें प्रूव करना है क्यू टी आर क्यू टी आर दिस इक्वल एंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यूपीआर इसके हाफ के बराबर बता सो लेट स्टार्ट प्रूफ सेंस क्यूटीज बाय सेक्टर ऑफ पी क्यू आर तो इससे रिजल्ट आएगा हमारे पास एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू इक्वल टू एक्स से ये हमने मान लिया कि दोनों एंगल इक्वल होंगे तो दोनों को हमने क्या मान लिया एक्स क्योंकि बोथ एंगल्स आर इक्वल और बाइसेक्टर है आल्सो आर इज बाई सेक्टर ऑफ आर टी बाइसेक्टर है किसका पी आर एस का तो इससे रिजल्ट आएगा एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर इक्वल टू वाई मान लेते हैं इसको इक्वल होंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर अब हम ट्राइंगल पी क्यू आर ले रहे और ये एक्सट्रा एंगल हो गया एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल सो राइट फर्स्ट पार्ट now सी इन triangle PQR. अब हमने ले लिया ट्राइंगल पी ये ट्राइंगल लिया पी क्यू आर सो एक्सट्रिय एंगल क्या है पी आर एस एक्सट्री एंगल इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू एंगल क्यू मीनस वन प्लस टू एंगल पूरा लिख देते हैं पी क्यू आर और एंगल पी एक ही एंगल है इसलिए एंगल पी लिख दिया पी आर एस क्या है पी आर एस है थ्री एंड फोर मीन्स एंगल थ्री प्लस एंगल फोर और दोनों इक्वल है तो ये भी क्या है वाई और यह भी कितना है वाई मीन्स कितना हो गया टू वाय एंगल पी सिंगल एंगल है और पी क्यू आर कितना है पी क्यू आर है वन और टू और वन और टू कितना है हमारा एक्स तो ये भी एक्स है और ये भी कितना है एक्स ही है तो क्या हो गया एक्स और एक्स टू एक्स हो गया नाउ इधर ले आते हैं टू वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू एंगल पी इससे आप टू कॉमन ले लो इससे वाई माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम तो वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्स की वैल्यू आ गई कितनी एंगल पी बाय टू इसको इक्वेशन नंबर वन दे थे. नाउ विल कंसिडर अनदर ट्राइंगल अब हम लेते हैं ट्राइंगल टी क्यू आर टी क्यू आर दिस वन अब ये ट्राइंगल लेते हैं एन ट्राइंगल टी क्यू आर इसमें वापस हम एक्सट्रे एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यह एक्सट्रे एंगल है देखो ट्राइंगल का इस ट्राइंगल टी क्यू आर में टी आर एस का एक्सट्रे एंगल है तो टी आर एस इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू समू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल मीन एंगल टू प्लस एंगल टी टी आर एस कितना देखो टी आर एस ए फोर एंगल फोर इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल टी एंगल फोर कितना एज्यूम किया है हमने वाई एंगल टू कितना एज्यूम किया है एक्स प्लस एंगल टी अब इस एक्स को भी धलिया वाई माइनस एक्स इक्वल टू एंगल टी ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर टू इसको दे देते हम टू अब फ्रॉम वन एंड टू क्या रिजल्ट आया देखो फ्रॉम वन एंड टू रिजल्ट आने वाला है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दोनों वाई माइनस एक्स है तो क्या रिजल्ट आएगा एंगल टी इक्वल टू एंगल पी बाय टू देखो यही वाई माइनस एक्स है यही वाई माइनस एक्स है अगर दोनों के एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भीवल होंगे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर एंगल दी इसकी जगह हम पूरा लिख देते हैं एंगल टी की जगह एंगल टी क्या है क्यू टी आर तो क्यू टी आर हो गया एंगल पी की जगह लिख दो पूरा क्यू पी आर और हाफ चल ही रहा है नीचे Half angle QPR. Oh, this completes Samara proof of Hands proved. We have proved it. So right hands proved. And this completes the question also. And chapter also completed. I hope you understood. It needs a lot of practice. Thank you so much for watching the video.